मां लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और अपना प्यारा मध्य प्रदेश समृद्धि और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाए। कोरोना समाप्त हो, कोरोना की कठिनाइयां समाप्त हो, आर्थिक मंदी समाप्त हो, हर घर में संपन्नता आए और मध्य प्रदेश का खजाना भी भर जाए। कोरोना काल में बड़ी कड़की में मैंने सरकार चलाई है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, फिर भी बहनों भाइयों आपको कोई कष्ट ना आए इसकी चिंता मैंने की। दीपावली के इस दीप पर्व पर आइए हम संकल्प करें, अस्दो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माम अमृतम गमय, असत से सत की ओर चलने का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का और मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ने का, सदैव हम सतमार्ग पर चले। एक अभूतपूर्व जनादेश, एक अद्भुत जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने 10 तारीख को हमें दिया है। मैं अभिभूत हूं और अपनी जनता को प्रणाम करता हूं इसी संकल्प के साथ कि मैं कहने के लिए नहीं कहता कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये मैं अंतर आत्मा से कहता हूं और अपनी उसी जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण, अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी पूरी क्षमता आपकी सेवा में लगाऊंगा, कोई कसर नहीं रहने दूंगा समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमको मार्ग दिखाने वाले हैं और मोदी है तो मुमकिन है। उनके मार्गदर्शन में कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जनता के सामने कल ही जारी किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, लेकिन यह भी समझ लेना कि केवल मुझे नहीं, केवल मेरे मंत्रियों को नहीं, केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं, हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। बहनों और भाइयों, यह बड़ा काम केवल सरकार नहीं कर सकती। कोई ये सोचता है तो गलत सोचता है। सरकार के साथ समाज को एक मेक होना पड़ेगा। हम मिलकर हमारे प्रदेश का विकास करेंगे और याद रखना, हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, हम मनुष्य हैं। कहते हैं मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, यह केवल पेट भरने के लिए नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, ये केवल अपने लिए नहीं है, ये अपने देश के लिए भी है, ये समाज के लिए भी है।
ये मानवता के कल्याण के लिए भी है। और हमारा देश वो महान देश है जहां जिन्हें हजारों साल पहले कहा गया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, अपने गांव को अपना परिवार मान ले, अपने प्रदेश को अपने देश को अपना परिवार मान ले। हमारे यहां कहा है आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो, हम भी जिए बाकी को भी जीने दें, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो केवल मनुष्य मात्र में नहीं, और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण हो। इस लक्ष्य के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, और विश्व के कल्याण का मतलब है हमारे गांव का कल्याण। मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक काम जरूर आप भी हाथ में लें, और वो एक काम पर्यावरण बचाने का हो सकता है, पेड़ लगाने का हो सकता है, पानी बचाने का हो सकता है, नशा मुक्ति अभियान चलाने का हो सकता है, किसी अनपढ़ को पढ़ाने का हो सकता है, किसी भूखे को भोजन कराने का हो सकता है, किसी आंगनवाड़ी के कुपोषित बच्चे को गोद लेने का हो सकता है, स्वच्छता अभियान में भागीदारी का हो सकता है। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लें कि मैं एक काम जरूर, एक काम ऐसा करूंगा जो मेरे लिए नहीं होगा, अपने लिए नहीं होगा, अपनों के लिए होगा। और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं, अपने गांव के लिए होगा, मतलब अपने गांव के लिए, मतलब अपने देश के लिए हो गया। और इस दिवाली को जब मनाएं तो घर के आसपास अगर कोई गरीब परिवार हो तो आपके साथ उसकी दिवाली भी आनंद से मन जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस पुण्य का लाभ मैं भी उठाऊं, आप भी उठाएं, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब हम बनाने की बात करते हैं तो सबकी भलाई, सबका कल्याण, सबके लिए है मध्य प्रदेश। सामाजिक समरसता हमारा मूल मंत्र है। कुछ लोग हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, हम किसी वर्ग के हों, हम सबका मध्य प्रदेश है, हम सबके लिए मध्य प्रदेश है। इसलिए जो समाज को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं उनके मंसूबे हम कायम कामयाब ना होने दें, उनसे सावधान रहें। ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें। जहां तक सरकार का सवाल है, सब वर्गों के कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है, मैं समर्पित हूं, कोई वर्ग हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे गरीब है उसका हक सरकार पर सबसे पहले है। इसलिए वैसे सबके कल्याण की, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहने हो, बेटे बेटी हो, सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम जारी रखेगी, लेकिन जो निर्धन है उनका विशेष रूप से ध्यान रखेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना समाप्त हो गया ये मत समझना। अभी एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में फिर प्रकरण बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, भले धीरे धीरे बढ़ रहे हो,
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है, मास्क लगाना मत छोड़िए, दूरी बनाए रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, आर्थिक गतिविधियां चलने दीजिए। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे अब, लेकिन सावधानी में सुरक्षा है। सरकार कोरोना से निपटने के हर संभव उपाय करेगी, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोरोना से आपको बचना है तो आपके हिस्से की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। एक संकल्प और ले लें इस दिवाली पे, अब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाओ, हमारे आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनती है, हमारे कुम्हार दिवाली के दिए बनाते हैं, क्या हम वो दिए खरीद के अपनी दिवाली नहीं बना सकते? उस दिए से उनकी दिवाली भी मनेगी जो दीपक बना रहे हैं। विद्युत बल्ब की लड़ियां होगी तो स्वदेशी होगी, पूजा की सामग्री से लेकर साज सज्जा का सामान, हमारे उपयोग की वस्तुएं हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, और स्वदेशी में भी प्रधानता उनको देंगे जो हमारे घर के आसपास बन रही है। हमारे कारीगर, हमारे कुम्हार, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे सुनार, हमारे बसोड़, हमारे मेहनतकश भाई बहन, हमारे बहनों के स्व सहायता समूह जो चीजें बना रहे हैं उनका उपयोग करें, उससे वो भी सशक्त होंगे। स्वदेशी का संकल्प हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना देगा। किसी भी गलत काम में कोई सहयोग ना करे, मिलावट के खिलाफ महाअभियान चला रहे हैं हम। ये मिलावट करने वाले लोगों की जिंदगी के दुश्मन है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। असामाजिक तत्व, समाज का शोषण करने वाले, सफेद पोस्ट माफिया, उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। सज्जनों के लिए सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। गुड गवर्नेंस, बिना किसी कठिनाई के लोगों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं मिल जाए, उस पर मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार पूरी क्षमता से, प्रशासन पूरी क्षमता से जुटेगा। कई काम करने, लेकिन आपके साथ हम सब मिलकर करें और 3 साल में बदल दें अपना मध्य प्रदेश। इसी मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण में हम खुद भी लगे। मैं एक बार फिर आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।